सुनीता थोड़ा पीछे होके बना, मच्छी मोटी वाली सुनीता। आदमी का बाबू, बाबू। ससुर का किशोरीलाल, किशोरीलाल। गांव पुराना, गांव राजस्थान में अंतवाड़ा। अंतवाड़ा। अभी कहाँ रह रही है? अभी तो यही रहती, मैदान गढ़ी में। मैदान गढ़ी में पहली बार आई है? हाँ जी। दूसरी मंजिल पे रहती है? नहीं, नीचे रहती हूँ, जग्गी सी में रहती हूँ। दूसरी मंजिल में जहाँ पहले तुमने कहीं रहे हो? हाँ जी, पहले रही हूँ दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे रहती है? वहाँ से अब मैं जग्गी में रहती हूँ। आप जग्गी में रहती है? मेरे पास 8 साल तक पूछा है, तुम बताना कि सच्चा है झूठा है, ताकि मैं अंदर एंट्री कर पाऊँ ना कर पाऊँ। ठीक है, फिर गला घोटा था घर में? मैंने? तूने घोटा हो, तेरा आदमी ने घोटा हो? आदमी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लड़ाई में किसने गला घोटा था तेरा? हाँ, मेरे पति मारते थे पहले बहुत, अब तो नहीं करते, पहले ऐसे करते थे। गला घोटते था? एक बार नहीं, वो तो कितनी बार पता नहीं। हाँ तो मैं दिखा रही हूँ, तेरे बारे में दिखा रही ना। ये बच्चे शर्मा के बताते नहीं है, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ। उल्टा सीधा कहता है क्या? बहुत कुछ गंदा गंदा वक्त है, तेरे से चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अभी तो 2 साल से कुछ नहीं कह रहे, एक बीमार में पड़े हुए हैं। पड़ेगा ही वो, जब ऐसे बेचते थे तुम बद्दुआ कम दिए तूने उसे? दुनिया भर की बद्दुआ दे रखी तूने, निकलते बढ़ते बद्दुआ दे रखी है तूने उसे? नहीं दे रखी बता। और सच्चे दरबार की जय। मेरी माँ की पूजा की जय। ये लंबा सा कौन है आदमी? तिरुपति कौन है? जेठ बेट है? जेठ है, थोड़े मोटे से लंबे से, एक बहुत लंबे से है, मेरे जेठ ही है, पतले से लंबे, पतले से लंबे से। हाँ जी, मेरे जेठ है। तेरी बनती नहीं क्या उससे? नहीं बिल्कुल भी। आठ दस साल हो गए परेशान होते थे? ज्यादा ही हो गए, बहुत ज्यादा। कर किसी क्रिया आ रखी है 8-10 साल से तेरे? और जेठ ने करवाई हुई, मैं बता दी। वो तो मुझे भगत कौन है? भगत तो मेरे ससुर थे तेरे घर में? हाँ जी, वो अब नहीं है दुनिया में, दुनिया में नहीं है, पर भैया क्रिया करवा रखी है, तेरे जेठ ने करवा रखी, पतला सा आदमी। वो तो मुझे माता रानी में फिर बोल, कई जगह गई हूँ, कई लोगों ने ऐसे भी मुझे बताया है कि तेरे जेठ जी ठाणे के हैं। जेठ जी ठाणे के? बोल सच्चे दरबार की जय। पूछा की जय। अब तो काम वाम करती है कहीं? हाँ जी, घर का काम करती है किसी का? तेरे बाद में क्या हाथ पैर नहीं चल रहे हैं? बेड पे पड़ा हुआ बिल्कुल। दो बच्चे हैं तेरे? दो बच्चे हैं बाबू। जब से मेरी अम्मा ने कुछ खिलाया पिलाया ना, जब से है, पहले से जीते हैं। बहुत परेशान हूँ मां, दोनों बच्चे इनको आप ही देखो, और सब जगह भटक लिए आप ही। गोले वाला काम करवा, शनिवार को आइयो, आज सुबह आइयो, जिन बच्चों को गोले वाला काम है उन बच्चों को गोले वाला काम करवा, ठीक है? और सीधा यहाँ से कालका मंदिर जाना उसके बाद। आपने बताया था कि साड़ी वाली औरत है ये? बाबू मुझे माँ से दिखाती, शक्ल नहीं दिखाती, पहनी हुई दिखाती कि भाई ऐसे। रात को इतना कमर में दर्द, ना इधर हुआ जा रहा ना इधर हुआ, फिर मैंने को याद आई माँ की जोत का थोड़ा सा तेल लगाया, तब करा मम्मी अब आराम नहीं, लड़के से पानी हाथ ही नहीं धोए जा रहा है क्या? हाँ, तो माँ की तेल में बहुत शक्ति, वो लगाया करो। क्या हुआ है इसको? इसी बाबू चीजें बता दी मैंने, करवा रखा है शनिवार को। जब तो सेना तेरी पूरी होगी है? अभी तो एक भी नहीं हुई, आज करूंगा पहले। तो बस फिर सेना तो कर लो, अपना तो काम पूरा करो, जब भी तुम्हें आगे। और ये मुझे माँ चौराहे पे एक बुढ़िया दी थी, एक लड़की दी थी,
पहले सहना करो, उसके बाद होता है ये चीजें तो बाद में दिखती है नहीं दिखती है, पहले सहना करो। बिना सहना करे तुम बार बार चक्कर काटो कोई फायदा नहीं। जो मैंने चीज पहले बोल रखी वो कर लो, ठीक है। वो जो मटिया करना है उस पे ढक्कन बांध के किसी कपड़े में ऐसे रख देंगे, बांध के, ठीक है ना। और ये वहां जाएगा, वहां पेपर देने दिमाग की वजह से कुछ याद ही नहीं आता था। रात अन्य शमशान घाट चले जा, मैं रोती रह गई, पुलिस उनको कंप्लेंट कही, पता ही नहीं भाग जाता था, मैं घर में टिक नहीं पाता था ऐसा। और ऐसे आंखों से सब करवा रखा ना, दिमाग घुमाएगी वो चीजें तो। हाँ, अब तो वो चीजें जब मैं सब जब तक नहीं करवाऊंगी गोले काम, जब तक तुम सब जो काम तुम्हें बोला है मैंने तीन वो करवा लो, जब तक तुम चौराहे का बहते पानी का और शमशान का नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दे रखिये ना सब, वो चैनल दे रखिये, पहले वो करोगे बता दो, कोई फायदा नहीं।